हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रिजवान। अभी हम हैं पिंटू जी के साथ में। पिंटू जी, कैसे हैं आप? बेस बढ़िया। सबसे पहले आप अपने फार्म का प्रॉपर एड्रेस बताइए। मेरा फार्म अजमेर से 25 मिनट दूर है, कड़ेल गांव में। हाँ। कब से काम कर रहे हैं आप? मेरे को 2 साल हो गए हैं। फार्म का नाम क्या है? मेरा पिंटूगढ़ फार्म। अभी ये बकरी देख रहे हैं, क्या इसकी एज होगी? इसकी एज होगी मेरे हिसाब से, वेट है इसका 50 किलो। और उम्र? उम्र होगी मेरे हिसाब से 2 साल की हो गई। और कितना दूध होगा इसके लिए, दिखाइए। इसका 1 लीटर दूध होता है इसका। दिखाइए पिंटू जी, इधर दिखाइए। तन देखो इसके जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी की। 1 लीटर होगा तो 2 लीटर देती है सुबह शाम का। हाँ। अब दूसरी दिखाइए, हमें सोजत में दिखा दीजिए। व्हाइट गुलाबी दिखाइए। मुंडा मुंडे दोनों मुंडे दोनों भाई है दोनों। अच्छा, ये क्या बॉडी वेट का होगा? ये होगा मेरे हिसाब से 20 से 25 किलो। 20 से 25 केजी का। इधर की तरफ को ले आई सब जानवर, सबको इसको ने लिया ना जी। और दिखाइए। अच्छा, ये कौन सी है? ये वो अजमेर या सिरोही। क्या फर्क रहता है दोनों में? दोनों में क्वालिटी तो एक ही है जी, नस्ल तो एक ही है जी। दो कलर आते हैं, इसको स्पोर्ट माल स्पोर्ट वाला चाहिए तो स्पोर्ट वाला दे देंगे जी। हाँ। ये स्पॉट में है? ये स्पॉट में है। तो इसको बोलते हैं? ये इसको सिरोही बोलते हैं। सिरोही। और जो प्लेन में रहती है, जैसे ये बच्चा है, ये उसको बोलते हैं चॉकलेट कलर। चॉकलेट अजमेरा भी बोलते थे। हम बोलते हैं इसको सिरोही बोलते हैं, क्योंकि अजमेर शहर के आसपास पाई जाती है, इसलिए इसको अजमेरी भी बोल देते हैं। अजमेरी बोलते हैं। और दूसरे दिखा दीजिए, कोई फीमेल दिखाइए हमें। पार्टी अभी दिखूंगा, मेल दिखूंगा अभी। मेल दिखाइए। ये अजंत ही है, दांत क्या है? अभी अजंत है ये। अजंत है। हाँ। कितने दांत पे अभी? ये मेरी अजंत अभी इसका ये अभी है 8 महीने बकरा है। 8 महीने का बकरा है। और ये देखो काफी एग्रेसिव है, काफी गर्म बकरे हैं। हाँ। कुछ डाइट वगैरह प्लान करते हैं एक्स्ट्रा इनके लिए? वो खुवाते हैं हम तो, दवाई देते हैं इसको। मतलब क्या चीज देते हैं? जौ वगैरह देते हैं, दाना देते हैं? इसको अभी चल रहा है इसका जो चल रहा है अभी, जो चल रहा है। अच्छा, जो कितने टाइम से अपने पास में ही जानवर? ये हो गए मेरी सबसे 5 महीने 6 महीने के बच्चे इसमें। 5 से 6। अभी ये सब फॉर सेल के हैं जो देख रहे हैं? अभी ये सेल के लिए है। सारे फॉर सेल के लिए हैं। तो कोई भाई लेना चाहे तो कम से कम कितने पीस ले? कम जो से कम 20 से 25 लेना पड़ेगा। 20 से 25। और एक दो के लिए फोन नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट से महंगे पड़ेगा। एक दो के लिए कॉल ना करें, सीधा आ सकते हैं फार्म पे। फार्म पे आ सकते हैं, इतने फार्म है अजमेर में, आप आइए। एक दो तो कहीं भी मिल जाएगा एनी टाइम। एक दो मिल जाए कि गाड़ी का भाड़ा महंगा पड़ेगा। 20 से 25 लेगा तो गाड़ी का भाड़ा पड़ता रहेगा। हाँ, एक दो के लिए आप खुद आइए, खुद से लेके गाड़ी के लेके आ जाना, खुद ले देंगे, खुद से लेके चले जाइए। और दूसरे दिखा दीजिए हमें, बड़ी बकरी दिखाइए वो वाली अभी। ये जी ये दिखा, ये अच्छी लग रही है, बहुत शाइनिंग इसकी, काफी जबरदस्त है। तो ये पूरे बिना स्पॉट की है, इसको अजमेरी बोलेंगे। इसको बोलते हैं चॉकलेटी अजमेरी। चॉकलेटी अजमेरी। हाँ। अच्छा, और दूसरी नस्ल दिखाई हमें सोजत के अलावा। सोजत के अलावा आपको मैं गुजरी दिखाऊंगा। गुजरी है वो पीछे बच्चा है। कच्ची बकरे कुर्बानी के लिए तैयार कर सकता है, अगली साल के लिए 2025 के लिए तैयार कर सकते हैं। हमने कुर्बानी के टाइम पे आपका वीडियो डाला था, उससे ऐसे बकरा मनाया गई है। एक से एक नायाब बकरा था। एक आपने 120 प्लस में दिखाया था बकरा, 120 प्लस सिरोही का था वो। ऐसा तैयार होगा? वो एरिया का माल है, वो एरिया का, वो ब्लड लाइन है, वैसे ही तैयार होगा। ऐसे तैयार होगा जैसे चराई करेगा ना, तो ऐसे बकरे तैयार होगा। तो ये हमारे पिंटू भाई है, जो पिंटू गोट फॉर्म है आपका। पिंटू गोट फॉर्म है खड़ेल अजमेर राजस्थान के अंदर। अजमेर शहर से कितना दूर पड़ता है आपने? अजमेर शहर से मेरा पड़ता है 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर। और पुष्कर? पुष्कर से मेरा पड़ता है 10 किलोमीटर। पुष्कर से 10 किलोमीटर। किसी भी भाई को चाहिए हो अजमेर आ जाना, अजमेर से मैं रिसीव कर लूंगा। अजमेर आप आइए, इन्हें कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर इनका डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप आइए विजिट कीजिए फार्म पे, आपका मोस्ट वेलकम है। अच्छा, इतनी गर्मी में ये धूप में बैठे हैं, इन्हें गर्मी नहीं लगती है? धूप में रहती है। अच्छा, धूप में रहते हैं। पकड़िए वो वाला बच्चा, पकड़ लिए। कोई फीमेल हो इसमें? सारे मेल है क्या? ये फीमेल होगी मेरे हिसाब से। ये फीमेल है? ये फीमेल है। ये फीमेल। तो फीमेल और मेल का प्राइस कुछ अलग रहता है? एक ही रहता है, 250 रुपए किलो रहेगा। फीमेल का 200-300 रुपए किलो रहेगा। और पीस से लेना चाहे तो कोई पट्टी से? ऐसे बच्चे लेगा तो 4,000-4,500 रुपए पड़ेगा। 4,000-4,500 रुपए। वो छाट के निकाल सकता है? छाट से, वो माल के ऊपर डिपेंड है कौन सा माल छाट है। जैसे किसी को 50 पीस चाहिए तो उसके लिए आप 60 या 65 पीस लग फार्म पे माल रहता है 50 उच्चे, तो पट्टी से 14 हो सकता है। 14 हो सकता है किलो के हिसाब से। क्या माल बिक जाता है, 2 घंटा फार्म पर रुकना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 50 पीस के लिए किसी ने ऑर्डर दिया तो आप 10-20 पीस एक्स्ट्रा लाओगे? 10 पीस एक्स्ट्रा लेके आए, क्योंकि इंसान उसमें से कुछ निकाल देगा, कुछ पसंद करेगा। वो तो फार्म पे बैठ के बात हो सकता है, 14 हो सकता है पट्टी से। 14 हो सकता है। और कोई एडवांस पेमेंट नहीं देना है? एडवांस देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं। फार्म पे रहते हैं आप, आइए सामने देखिए, सामने देख के माल देखिए, रेट तय कीजिए, आपको पसंद आए आप लीजिए, गाड़ी भरवाइए। और ट्रांसपोर्ट की सुविधा? ट्रांसपोर्ट की सुविधा किस तरह से? ट्रांसपोर्ट की मेरे खुद के पास में महिंद्रा बोलेरो गाड़ी। महिंद्रा बोलेरो गाड़ी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा ट्रांसपोर्ट? इंडिया में कोई दिक्कत नहीं, पूरे इंडिया परमिट है। ठीक है पिंटू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये लास्ट में हम देखते हैं ब्रीडर्स, देखना भूल गए थे।
तो पिंडवाई ब्रीडर्स ये कितने दिन का आपने पास में? ये मेरे पास दो साल का बकरा ही है अभी। दो साल का है। आपके पास कितना टाइम हो गया इसको? मेरे को ये कुर्बानी गया नहीं, कुर्बानी के लिए ये बकरा। जी जी। अच्छा, कुर्बानी के टाइम की अपने पास में। काफी गर्म बकरा लग रहा है ये, देखिए गर्म है। अच्छा, तो और दूसरे ब्रीडर दिखाइए। अभी दिखाएंगे आपको मैं गुजरी। गुजरी दिखाइए, ये गुजरी, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या इसके ऊपर? हाँ, कोई लिखा हुआ नहीं। ऐसे क्या क्वालिटी वाले है हमारे? मंडी वाला माल नहीं है, जंगल वाले माल है। हम तो जंगल से ढूंढ ढूंढ के माल लेके आते हैं। लगता 10 रुपए किलो का तेज, 10 रुपए किलो के हिसाब से तेल ले लेते हैं। आपको जंगल से लाते हैं? जंगल से लेके क्वालिटी लाते हैं, क्वालिटी लेके अच्छी लाते हैं। तो कोई ऑफर देने वाले थे हमारे? 50 बकरी पर ये बकरा फिर दूंगा मैं। बकरे की एज क्या रहेगी? बकरे की एज तो मेरे हिसाब से 50 से 60 किलो बकरा आएगा। अच्छा, 50 से 60 किलो का वेट रहेगा। एज आपके हिसाब से होगी? हाँ, 50 बकरी पर ये बकरा फ्री दूंगा मैं। अच्छा, 50 बकरी पे एक बकरा फ्री देंगे? पर बकरा अपने हिसाब से देंगे, कौन सा देंगे? हाँ, उसको जहाँ पे मैं माल दूंगा ना, तो उसको बकरा पसंद करा के दूंगा कस्टमर को बकरा पसंद करा के देंगे, जो उसको पसंद आएगा। जैसा पसंद आएगा उसको लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। 50 बकरी पर बकरा फ्री दूंगा। एक बकरा फ्री देंगे 50 बकरी को? 50 बकरी कोई भी नस्ल की ले सकता है? कौन सी नस्ल की ले हो? अभी देखो मैं ये भी दिखा रहा हूँ जी। इसका वजन कम से कम 35 से 40 किलो। 35 से 40। इसकी एज क्या होगी? अभी इसकी रेंज होगी मेरे हिसाब से 11 महीने। कितने दांत हो गए? अभी तो अदंती है हमारे, अदंती रहते थे 100 किलो वगैरह। दिखाइए दांत, दिखाइए इसकी। अदंत है ये जी। ठीक है, छोड़ दीजिए, अदंत ही है बच्चा। माल लेना तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसी क्वालिटी बच्चे मिल सकते हैं अपने पास? ऐसी क्वालिटी। अभी देखो एक गुजरी भी है, ये गुजरी कम से कम 30 से 35 किलो। तो आप इसे क्या खिलाते हैं? इसकी झालर देखिए, बॉडी वेट देखिए, इसकी टांग के साइज देखिए, काफी टांगे भी काफी मोटी हैं इसकी। हम तो जो खुआते हैं हरी पत्ती खुआते हैं, और इसको चाट पाते हैं। गाय का दूध होता है ना हमारे, गाय हमारे पास में, उसको घी गाड़ते ना जी, चाट गाड़ते हैं। अच्छा, तो ये बच्चा गर्म भी बहुत है, अग्रेसिव भी बहुत है, मोटा कितना? डबल हड्डी का बच्चा है। डबल हड्डी का। चार से क्या तंदुरुस्ती रहती है बकरे की? तो जब चार भी देना आते हैं, ये चार भी पिलाते हैं। अच्छा, पिला देते हैं आप? हाँ। क्योंकि आपके घर का मामला है इसलिए आप पिला दे सकते हैं, और हर कोई नहीं पिला सकता है। यदि किसी घर में हमारे घर की गाय है ना, चेक कर से। अच्छा, ठीक है पिंटू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अपने फार्म का लास्ट में नाम बता दीजिए। मेरा फार्म नाम पिंटू गोट फार्म। पिंटू गोट फार्म। और एड्रेस क्या है प्रॉपर? मेरा फार्म है अजमेर से 25 किलोमीटर दूर है, कड़ेल गांव में। कड़ेल गांव में। हाँ, अजमेर आ जाए, अजमेर से मेरी कार से इशू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो कट्टू पे भी काम करते हैं आप क्या? कट्टू पे क्या काम करते हो? कट्टू का रेट बता दीजिए लास्ट में पिंटू भाई, लास्ट में बताइए। कट्टू का काम करते हैं? कट्टू का काम करते हैं। उसका रेट बता दीजिए। कट्टू का रेट पड़ेगा 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो के। पालो देंगे अभी, पालो बताता हूँ आपको। अभी देखो ये ऐसे पालो आएगा जी, ऐसे ऐसा आएगा। 20 से 25 किलो। 20 से 25 किलो। और ये अगर पट्टी से ले कोई, तो पट्टी से पड़ेगा ऐसे 6,500 रुपए। 6,000 रुपए? 6,500 का पड़ेगा। 6,500, 6,000 का पड़ेगा। अच्छा, तो 6,500 का पट्टी से ले सकते हैं आप, आइए वेट से भी ले सकते हैं। और किसी भी भाई को चाहिए तो वो आ सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आएँ। ठीक है, थैंक यू।